story time video. For starting this, as you can see, I have something new. It's a chair. Believe it or not, सुबह के 7 बज रहे हैं अभी. Yes, it's 7 in the morning and don't worry, मैंने ब्रश करके नहा भी लिया है. So as you guys know कि मैं अपने प्रीलिम के एग्जाम में फेल हो गई थी. आई मेड अ होल वीडियो अबाउट इट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग. सो दिस वीडियो इज अबाउट माय ग्रेटेस्ट एकेडमिक कमबैक. माय पोनी इज लुकिंग गुड, इट्स ग्रोइंग ऑन मी. अभी थोड़ा थोड़ा शेप अच्छा लग रहा है मुझे पोनीटेल का. एनीवेज, मेरी एग्जाम का रिजल्ट मार्च में आ गया था. आई गेस नहीं, अप्रैल में आ गया था, मैं भूल गई. वेट, चेक करना पड़ेगा. मैंने इनिशियली सोचा था कि मैं ना एक रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी. थिंग इज कि जब मैं क्लासरूम में बैठी थी एंड रिजल्ट आ गया, लाइक सबके व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया हमारे प्रिंसिपल नवीन सर का, तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था. तो चालू लेक्चर में सब अपना रिजल्ट चेक कर रहे थे, तो आई वॉज नॉट एबल टू गिव अ रिएक्शन ऑब्वियसली. कहाँ गया? एक्सक्यूज मी, वेट, मुझे अब थोड़ा एक्स्ट्रा ढूंढना पड़ेगा. फक शिट, मेकिंग दिस स्टोरी टाइम इज इम्पोर्टेंट फॉर मी बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर फ्यू थिंग्स विथ यू. मैं नाके कितनी मस्त लगती हूँ. दिस ब्यूटीफुल बिच विदाउट एनी मेकअप, आई जस्ट अप्लाइड लिपस्टिक, मॉइस्चराइजर तक नहीं लगाया मैंने. आई थिंक लेस इज मोर फॉर बेंजो. ओके ओके, रिजल्ट आया था 5 अप्रैल को, मतलब अब अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म होने आया है. नाउ आई एम टेलिंग यू, बट एनीवेज मैं ये सबसे ज़्यादा फट रही थी दो सब्जेक्ट्स में, वन इज गायनेक एंड वन इज चरक. द रीज़न इज ऑब्वियस, आई डोंट लाइक गायनेक, यू गाइस ऑलरेडी नो, बिकॉज उसमें बहुत सारी सर्जिकल प्रोसीजर्स आती है एंड आई एम नॉट इन टू दैट स्टफ. भाई चरक का पेपर इतना हार्ड पेपर निकला था, मैं क्या बताऊँ. इट वॉज द लास्ट रिटन पेपर. एंड हुआ क्या था कि लास्ट 2-3 पेपर जब चल रहे थे तब मेरे पापा की तबीयत एक्सट्रीमली ख़राब हो गई थी. उन्हें ICU में एडमिट करना पड़ा था एंड इट वॉज एन एक्यूट किडनी फेलियर. सो उस टाइम पे ना बहुत सारा हॉस्पिटल में भागा दौड़ी हो रही थी. सो आई वॉज नॉट एबल टू रीड, यू नो, स्टडी प्रॉपरली. सो मेरी बहुत फट रही थी बिकॉज सिलेबस इट्स जस्ट सो वास्ट. आई वॉज लाइक भगवान भरोसे, प्रोफेसर के भरोसे कि IMT में से ही आए, जो प्रिलिम में थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे वैसा वैसा ही आए. बट मेरा नसीब इतना खराब है, मेरा नसीब इतना खराब है कि चरक का पेपर तो क्या पेपर था भाई, क्या पता नहीं मैंने क्या लिखा है. सीरियसली मुझे, आई हैव नो आइडिया मैंने चरक में क्या लिखा है. एक तो मैंने एक श्लोक नहीं लिखा, मतलब इफ़ यू आर BMS स्टूडेंट आपको पता होगा श्लोक लिखना इज नेसेसरी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, बट चरक में मैंने एक श्लोक नहीं लिखा. एंड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो पता नहीं पहली बार मैंने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े थे. मेरा तो ऐसा दिल टूट गया था पेपर पढ़ के. तो मेरी इतनी फट रही थी जब सब अपना रिजल्ट चेक कर रहे थे, आई वॉज लाइक मुझे चेक नहीं करना है यार, मैं घर पे जाके कर लूंगी, मुझे बस कोई इतना बता दो मैं पास हूँ या फेल हूँ. सो ऑब्वियसली सृष्टि वगैरह ने बता दिया कि आई एम पास. आई वॉज लाइक कैसे, मतलब चरक में पास हो गई. स्वेयर मेरी इतनी फट रही थी कि मैंने अपनी नानी को भी बोल के रखा था कि भाई तुम पूजा पाठ स्टार्ट कर दो, कुछ चमत्कार या मुझे बचा सकता है चरक में. भगवान ने उनकी सुन ली. मेरे कितने सब्जेक्ट थे मैं तो वो भी भूल गई, 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट्स. तो मेरा ग्रैंड टोटल है आउट ऑफ 1200 या 1100, आई डोंट नो, मैं भूल गई, सॉरी. इट्स 788, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मेरे जो परसेंटेज होते हैं इट इज 71 or 72%. आई एम नॉट श्योर. इस बार का रिजल्ट मुझे याद भी नहीं है मेरे कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं. मैं अभी ध्यान से देख रही हूँ. स्वस्थ्रुत, इट वॉज अ ईजी सब्जेक्ट, मैं स्वस्थ्रुत ने मेहनत की थी. इट वॉज आउट ऑफ 200, 146, नॉट बैड. सरप्राइजिंगली ब्रो मुझे प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स दिए गए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ. एवरी टाइम मैं रिटन एग्जाम में
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हूँ, बट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्स मेरा रैंक पीछे चले जाता है, बिकॉज मुझे प्रैक्टिकल्स और वाइवा में पता नहीं क्यों अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, बिकॉज प्रोफेसर लोगों ने मेरी शक्ल थ्रू आउट द ईयर इतनी देखी नहीं होती, सो दैट्स वाई दे इंटेंशनली कम मार्क्स देते हैं, बट इट्स फाइन, मुझे कोई टॉप नहीं करना था, बट आई टॉप योर गर्ल टॉप इन दिस एग्जाम. आई वॉज लाइक वॉट, सब अपना अपना रैंक निकाल रहे थे एंड आई गॉट थर्ड रैंक. आई वॉज सो शॉक्ड. मैं तो बोली डबल क्रॉस चेक करो भाई, ऐसा ऐसा कैसे हो गया, मेरा थर्ड रैंक कैसे आ गया. मेरे आगे बहुत सारे होशियार लोग हैं एंड बहुत सारे टीचर के फेवरेट एंड रेगुलर कॉलेज आने वाले भी हैं. मैं कोई कैटेगरी में फिट नहीं होती, फिर भी मेरी रैंक कैसे आ गई. सो आई विल टेल यू वन थिंग, जब मेरा गायनेक का वाइवा चल रहा था, सो गायनेक में जो एचओडी होती है, एचओडी मैडम, वो वाइवा लेती है हमेशा. सो मैं इंटरनल वाइवा के लिए गई. मैडम वॉज लाइक, सच बताना कितने लेक्चर अटेंड किए हैं मेरे, एंड मेरी तो फट गई. मुझे तो ये भी नहीं पता है एचओडी मैडम ने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं सिलेबस में से. Well done. It was that bad. And I was like, madam, दो तीन तो किए ही होंगे. तो मैडम हंसने लगी कि अच्छा तो वो दो तीन लेक्चर का तो सब आता होगा, मैं उसमें से ही वाइवा लूंगी. And I was like, the thing is, वाइवा में आपको हार्ड कम पूछेंगे और इजी में ऐसा ऐसा पूछेंगे कि आपको नहीं आता होगा. And the professor be like, ये तो इजी है, ये तो आना ही चाहिए. बट मेरा एक्सटर्नल का वाइवा इतना मस्त वाइवा गया था, सर लाइक मेरे से कॉन्वर्सेशन ही कर रहे थे. उनकी वाइफ का फोन आ रहा था बीच में कि आपने खाना खाया, सर भी लाइक हाँ मैंने खाया. मैं तो शांति से सुन रही थी उनकी कन्वर्सेशन में, तो करो करो जितना बात करना उतना बात करो. सर ने मुझे एक ही चीज पूछी इंस्ट्रूमेंट में से, आइडेंटिफिकेशन एंड डिफरेंस एंड बेनिफिट, वो मैं एकदम ऐसा रट के गई थी, मैंने बोल दिया एंड सर इम्प्रेस हो गए. सर ने मुझे पूछा बेटा फ्यूचर का क्या प्लान है, मैंने बोला सर आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं. फिर मैंने बोला स्टार्टअप करेंगे. सर बोले शार्क टैंक, मैंने बोला हाँ सर शार्क टैंक जाएंगे. मैं फुल बकचोदी कर रही थी सीरियसली, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन मैं बस ऐसे ही कुछ कुछ बना के अपना करियर समझा रही थी. सर बोले क्या प्रोडक्ट बनाओगी, एंड आई वाज लाइक सर आयुर्वेदा है, सो स्किन केयर ब्यूटी रिलेटेड है. सर बोले कि ऐसे तो मार्केट में बहुत प्रोडक्ट्स है बेटा, सब लोग स्टार्टअप करेंगे तो फिर खरीदेगा कौन. ऑनेस्टली ऑनेस्टली मुझे पता नहीं था मैं उसका क्या आंसर दूँ. गुड वाइवा, 15 मिनट वाइवा था, पर मज़ा आ गया. मैं तो धन्य हो गई, सीरियसली मैं धन्य हो गई थी. केडी के अंदर आउट ऑफ 176 एंड प्रैक्टिकल के अंदर आउट ऑफ 50-40 मार्क्स. गायनेक में आउट ऑफ 200 147, नॉट बैड एक्चुअली, बिकॉज मैंने बहुत ही ज़्यादा घोटाला किया था पेपर लिखने में. दो प्रोसीजर्स पूछी गई थी एंड मैंने एक प्रोसीजर लिखी फर्स्ट, एंड वो प्रोसीजर मैंने पूरी कंप्लीट लिख दी. फिर मैं दूसरी प्रोसीजर लिखने गई एंड तब मुझे पता चला कि मैंने ये दो प्रोसीजर मिक्स कर दिए. वेल डन, इसके इंस्ट्रूमेंट इसमें, इसके दो तीन स्टेप इसमें, मैं लाल हो गई थी. लिटरली बहुत ही लेंथी पेपर था, टाइम जा रहा था, बफाई गई. फिर मैंने थोड़ा बहुत सुधारा, जहाँ जहाँ पे भी जगह मिली मैंने मिटा करके लिखा, बट आई वॉज सो स्केर्ड दैट आई फक्ड अप. सो आउट ऑफ 100 आई जस्ट गॉट 58 इन प्रैक्टिकल्स. अगत तंत्र विच इज टॉक्सिकोलॉजी एंड इट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इन थर्ड ईयर, आई गॉट 63 आउट ऑफ 100. नाउ 63 इज़ अ लॉट, बिकॉज मोस्टली क्लास के बच्चे टॉक्सिकोलॉजी में ही फेल हुए हैं एंड आई गॉट 63 विच इज़ प्रिटी गुड, बिकॉज उसका पेपर ना क्वालिटी पेपर था, मतलब ऐसे ही नहीं सब कुछ IMP से पूछ लिया हो, इट वॉज अ गुड पेपर. एंड इन प्रैक्टिकल्स आउट ऑफ 50 आई गॉट 40,
अगल वाले प्रोफेसर इंटरनल सबको परेशान कर रहे थे, लिटरली ही वॉज गिविंग एवरी वन हार्ड टाइम। ये पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई प्रोफेसर मुझे परेशान नहीं कर रहा, ही वॉज वेरी चिल विथ मी, इवन दो उसे पता है कि मैं इतना कॉलेज नहीं आती। उन्होंने मुझे इंसल्ट नहीं किया, बिकॉज द थिंग इज वाइवा में आपकी इंसल्ट होनी ही होनी है। कुछ प्रोफेसर जान बूझ के आपकी लेते हैं, बट ही वॉज वेरी नाइस। नाउ चरक में आउट ऑफ 100 आई गॉट 68। आई डोंट नो, मैंने तो ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है। मैं सोच रही थी कि भगवान एग्जैक्ट 50 मार्क्स भी दे दे ना तो मैं अच्छे से पास हो जाऊंगी, बट आई गॉट 68। पता नहीं कौन से महापुरुष ने ये पेपर चेक किया है, बट थैंक यू। प्रैक्टिकल्स आउट ऑफ 50 आई गॉट 36। मैं बिकॉज जो चरक का एक्सटर्नल था इतना गंदा वाइवा, मेरी हिस्ट्री में मैंने कभी इतना गंदा वाइवा नहीं दिया। वो इतना स्ट्रिक्ट था, वो इतना, मतलब उसको पीजी लेवल का नॉलेज चाहिए था हम लोगों में। डजंट मेक सेंस, बिकॉज हम लोग ने तो इतना पढ़ा भी नहीं है। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा था जिसका जवाब हमारे प्रोफेसर को भी नहीं आता था। कैन यू इमेजिन, मतलब क्या होता है कि हम जब अपना वायवा देते हैं तब हमें जो जो क्वेश्चन नहीं आते वो हमें उनका जवाब ढूंढ के लाना होता है। सो हम बुक्स में से ढूंढते हैं या ऑनलाइन ढूंढते हैं या फिर हम किसी प्रोफेसर को पूछ लेते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स उन्हें आना चाहिए, प्रोफेसर ने PhD या PG किया है। तो फिर हमने हमारे सर्स को पूछा कि ये क्या इंसान बैठा है वो चरक के वायवा में, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है, अब इसका जवाब बताओ। तो हमारे प्रोफेसर लोगों को भी जवाब नहीं आता था, उसके एक्सप्रेशन तो कोमोलिका को भी पीछे छोड़ दे। मैं कोई भी आंसर बोलूं उसका, इसके आईब्रो एक ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती रहती है। वो मेरे सामने ऐसे देखते थे जैसे मैं पैदा होके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस दुनिया पे बोझ बढ़ा दिया है मैंने। उन्होंने लिटरली मुझे ये बोला कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तू कुछ पढ़ के नहीं आई, यू गाइस डोंट नो। मैं रो दी, तुम सिलेबस में से कुछ पूछो वो मुझे आता है, पीजी लेवल के कुछ भी पूछोगे, एक एक वर्ड का पूरा मीनिंग पूछोगे, मैं नहीं हूँ संस्कृत में शास्त्री, मुझे नहीं बस समझ पड़ेगा। क्या मेरा घर आके मेरा मूड इतना खराब हो गया था। देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ दैट डे, मेरे भाई ने क्लिक की थी, बिकॉज लिटरली मेरा मूड इतना हो गया था, लाइक इतना। टॉकिंग अबाउट द रैंकिंग, आई एम 3rd एंड मेरे और सेकेंड रैंक के बीच में 5 मार्क्स का डिफरेंस है, एंड मेरे एंड फर्स्ट रैंक के बीच में बहुत डिफरेंस है, बहुत। बट आई एम हैप्पी बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल। एकेडमिकली आई एम वेरी गुड, मैं पास हो सकती हूँ। मैं अगर एक महीना भी पढ़ लूँ लास्ट 1 month तो आई कैन मैनेज, इतना कॉन्फिडेंस है मुझ में। आई एम गुड एट एकेडमिक्स, आई एम बेटर देन यू। मैंने अपना रिजल्ट मेरी मम्मी को बताया कि मम्मी 3rd rank 71%। माय मॉम्स रिएक्शन वाज नथिंग, लाइक ठीक है पास हो गई, अच्छी बात है। फिर पापा को भी पता चल गया कि हाँ रिजल्ट आ गया है एंड पास हो गई एंड रैंक आई एंड एवरीथिंग एंड ऑल। तो फिर उनका भी रिएक्शन इल्ले कुछ नहीं, अंदर कोई अप्रिसिएशन नहीं। देन आई रियलाइज कि देयर आर 2 टाइप ऑफ पेरेंट्स। फर्स्ट दे विल बी हैप्पी इवन इफ देयर चाइल्ड डज द बेयर मिनिमम थिंग, जस्ट पास हो गया सेलिब्रेशन, आईफोन, हॉलीडे। एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर पेरेंट्स जिनका बच्चा अपना पूरा 100% से भी ज़्यादा दे रहा है, जो टॉप कर रहा है, जो अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है, एंड देयर रिएक्शन वॉज तो हमारे लिए थोड़ी पढ़ रहा है, तू तो तेरे लिए पढ़ रहा है, तू तेरे अच्छे मार्क्स से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, तेरा ही फ्यूचर बन रहा है। मैंने अब छोड़ दिया है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है रैंक लाने में एंड टॉप करने में। माय गोल इज टू जस्ट पास, बिकॉज टॉप करके भी कुछ नहीं मिल रहा तो इससे अच्छा तो थोड़ा इंजॉय कर ले लाइफ में एंड जस्ट पास हो जाए, बस इतना ही बहुत है। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि मेरे पेरेंट्स ने अप्रिशिएट नहीं किया, बिकॉज आई एम वेरी यूज टू दिस। इवन इन माई 10th class जब मेरे कितने परसेंटेज आए थे, 89% आए थे, भी उनका यही रिएक्शन था कि 90% क्यों नहीं आए, 90 आ जाता तो मजा आ जाती। माई एडवाइस फॉर ऑल द यंगस्टर्स,
टॉप मत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, कभी अच्छे मार्क्स लाओ ही नहीं। मैं बता रही हूँ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, बिकॉज इफ आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे देन पेरेंट्स विल गेट यूज टू इट कि हाँ हमारे लड़के के तो आते ही हैं, तो फिर वो अप्रिशिएट करना बंद कर देंगे। इससे अच्छा तो एकदम एवरेज रहो, लाइफ भी इंजॉय करो और दूसरी तरह एक्टिविटीज भी करो और एकेडमिक्स में भी एकदम एवरेज रहोगे तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? एटलीस्ट आपकी मेंटल पीस तो ठीक है। आई टोल्ड यू कि मेरे पापा बीमार थे तो ऑब्वियसली सारे रिलेटिव्स आते हैं मिलने के लिए। तो अभी रिसेंटली एक रिलेटिव आए थे एंड उनकी लड़की MBBS है बट वो मुझसे 8 साल बड़ी है। वो है फ्रॉम BJ मेडिकल एंड इफ यू गाइस डोंट नो गुजरात की सबसे टॉप की MBBS कॉलेज है BJ मेडिकल। तो उन्होंने बस फ्लैक्स किया होगा बिकॉज पेरेंट्स करते हैं फ्लैक्स ऑन देयर चाइल्ड्स अचीवमेंट। वो रिलेटिव फ्लैक्स कर रहे थे थोड़ा कि मेरी लड़की MBBS से पास आउट है, ऑल गुजरात में उसकी 7th रैंक आई थी एंड ऑल दैट। उस टाइम पे आज से 8-9 साल पहले की बात है एंड आई वाज लाइक उस टाइम तो नीट भी नहीं थी, उस लड़की ने नीट नहीं दी है, उस लड़की ने हमारी स्टेट की नॉर्मल गुजकेट एग्जाम दी है उसमें उसकी 7th रैंक आई थी। बट माय फादर स्टार्टेड कंपेयरिंग मी विद हर, देख MBBS फ्रॉम BJ मेडिकल 7th रैंक इन गुजरात, आई वाज लाइक फक दैट। सॉरी मैं थोड़ा बह गई इमोशंस में, आई एम नॉट क्राइंग, Guys, I hope you guys are proud of me. But yeah, that's it for today's video. Subscribe. I'm going to cry. I love you.